देखिए प्लीज स्टूडेंट, सब्सक्राइब एंड आज हिस्ट्री क्लास माय टेंथ, ओपी मल्होत्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5 का ए, एक्सरसाइज है 5 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 फर्स्ट देखिए, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 7, इनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स माइनस 3 इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 3, ठीक है, और एक्स प्लस 7 इजकल टू 0 और एक्स इजकल टू माइनस की 7, ठीक है। ये टू आंसर है इनके, ठीक है। सेकंड है 3x प्लस 4 और 2x माइनस 11, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए 3x प्लस 4 इजकल टू 0, 3x इजकल टू माइनस का 4, ठीक है, माइनस 4 इधर लेके जाएंगे इजकल टू से, तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का है, ठीक है। x इजकल टू माइनस की 4 अपॉन 3, ठीक है। दूसरा है 2x माइनस 11 इजकल टू 0, 2x इजकल टू 11, ठीक है, 2x इजकल टू 11, अब x इजकल टू 11 अपॉन 2, ठीक है। तो x इजकल टू क्या हुआ, माइनस की 4 अपॉन 3 कोमा 11 अपॉन 2, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4x, तो एक्स स्क्वायर 4x को इधर ले आएंगे इजकल टू से, ठीक है, इधर आ जाएगी 0, ठीक है। और इनमें कॉमन क्या है, देखिए x कॉमन है तो क्या आएगा यहाँ पे, x माइनस 4, ठीक है, इजकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक तो आया x इजकल टू 0 और दूसरा क्या है, x माइनस 4, क्योंकि दो ही फैक्टर है इसके, एक ये फैक्टर है, एक इसका ये फैक्टर है, ठीक है। तो x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 4, ठीक है। तो x इजकल टू क्या आया, 0 कोमा 4, ये टू आंसर है इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन 3x माइनस 1 और 1 अपॉन 2x प्लस 7 इजकल टू 0। तो सबसे पहले हम करेंगे 1 अपॉन 3x माइनस 1 इजकल टू 0, ठीक है, और 1 अपॉन 2x प्लस 7 इजकल टू 0, ठीक है। पहले सबसे पहले 1 को उधर लेके जाएंगे इजकल टू से, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, इसे उधर ले जाएंगे, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो डिवाइड में बन जाएगा, यानी कि हमारा 3 बन जा 3, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा, 3 बन जा 3, और 1 डिवाइड में जाएगा तो 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो एक तो हो गया, दूसरा हम इसे 1 अपॉन 2 एक्स इजकल टू माइनस का 7, एक्स इजकल टू इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना है, माइनस का 14, ठीक है, 2 आ गया, यानी कि एक्स इजकल टू 3 कोमा माइनस की 14, टू आंसर्स, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इजकल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई करके तो क्या जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, हम इसमें देखिए कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 5 इजकल टू 0, ठीक है। अब दो ही फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है इसके, ठीक है। तो x इजकल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या है हमारा, 5, ठीक है, ये 2 आए हमारे, तो हम क्या लिखेंगे इसे, x इजकल टू 0 कोमा 5, ठीक है, ये 2 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0 गिवन है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, फैक्टर मेथड से, देखिए इसकी और यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, 1 है, ठीक है, तो 10 बन जाए, 10 आ जाएगा, तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे मल्टीप्लाई करके तो 10 आए, ठीक है, माइनस का 10 आए और प्लस करके क्या आए, माइनस का 3 आए, ठीक है, प्लस करके और मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारा, उन दोनों का माइनस के 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 5 का क्या होगा, सॉरी 2 5 का 10 होगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का
क्या आएगा, 5x प्लस का 2x, ठीक है। 5 और 2 जो है वो हमारे इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, तो इनमें दोनों में कॉमन देखिए और इनमें कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन x माइनस 5 आ गया, ठीक है। इसमें भी प्लस का 1 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5, ठीक है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा, 5 कॉमा माइनस का 2। ये 2 आंसर है, ठीक है, 2 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट